आप सबने 16 सोमवार के बारे में तो सुना ही होगा। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को अर्पित किया जाता है। सावन महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार व्रत की महत्वता बताई गई है। इसके अलावा हिंदू धर्म में 16 सोमवार का भी वर्णन किया गया है, जिसके व्रत से कोई भी कन्या भोलेनाथ की पूजा कर अपने मनचाहे पति को पा सकती है। इससे जुड़ी ऐसी कई कथाएं हैं जो कहती हैं कि अगर किसी कुंवारी कन्या ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत का पालन किया तो उन्हें महादेव से मनचाहे पति की प्राप्ति होगी। लेकिन इन सब के परे आज हम आपको 16 सोमवार से जुड़ी कुछ हटके एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि 16 की संख्या में ही क्यों सोमवार का व्रत रखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। उज्जैन शहर में सुगंधा नामक एक वैश्य कन्या रहा करती थी। सुगंधा को पूर्व जन्म से ही एक ऐसा वरदान मिला था जिससे वो किसी आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो वरदान क्या हो सकता है। तो आपको बता दें कि सुगंधा के शरीर में ऐसी सुगंध थी जिससे मोहित होकर दूर से कोई भी पुरुष खींचा चला आता था। सुगंधा नृत्य और गायन जैसे गुणों में भी पक्की थी। वो नृत्य विद्या में इतनी निपुण थी कि कोई भी नृत्यांगना सुगंधा के टक्कर की नहीं थी। सुगंधा ने कलाओं और अपनी खुशबू की वजह से राजाओं को, युवा पुरुषों को, ब्राह्मणों को और कई व्यापारियों को अपने वश में कर लिया था और इन्हीं सब गुणों ने सुगंधा को अहंकारी बना दिया था। एक बार की बात है, सावन महीने में बहुत सारे ऋषि शिप्रा नदी के किनारे मिलकर उज्जैन में बसे महाकाल की पूजा के लिए यज्ञ कर रहे थे। अचानक कुछ देर बाद अहंकारी वैश्य कन्या सुगंधा वहां पहुंची। सुगंधा अपने गुरूर में पहले से ही चूर थी और यज्ञ स्थल पर पहुंचकर वो वहां मौजूद ऋषियों का ध्यान भटकाने में जुट गई। अपने कपटे विचारों से उसने ऋषियों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए खूब प्रयास किया, परंतु ऋषियों के तप बल के कारण उसके शरीर के सारे सुगंध ही खत्म हो गए। सुगंधा का अथाह घमंड चकनाचूर हो गया था। वह खुद को देख हैरान रह गई कि उसके शरीर की शक्तियां खत्म हो गईं। सुगंधा ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि तप का बल उसकी सारी सुगंध को नष्ट कर सकता है। सुगंधा को जैसे ही अपनी गलतियों का एहसास हुआ, उसकी बुद्धि बदल गई। सुगंधा बिलखते हुए ऋषियों से अपने किए पापों के प्रायश्चित के लिए उपाय पूछने लगी। ऋषियों ने सुगंधा को उपाय बताते हुए कहा, जिस प्रकार 16 श्रृंगार से तुम पुरुषों को अपने काबू में करती हो, ठीक उसी प्रकार अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करो। उसके बाद काशी में निवासी बनकर महादेव की पूजा करो। भक्ति की राह पर बढ़ते हुए सुगंधा ने वही किया जैसा ऋषियों ने बताया था। 16 सोमवार का व्रत करने के बाद सुगंधा ने अपने प्रायश्चित से मुक्ति पाई और शिवधाम को पहुंच गई। और यही वजह है कि 16 सोमवार के व्रत को 16 संख्या में पूरा किया जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।